हेलो मित्रों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुज्जू की नज़र से। और मैं हूँ वीरेन दवे। और आज हम फिर जाएंगे गिर के जंगल में। गिर के जंगल में आई हुई एक रहस्यमय जगह, इसके बारे में बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी बुरी भी बातें हैं। क्या सही है क्या गलत है हम उधर जाके पता करेंगे। लेकिन जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे रहस्यमय और धार्मिक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और शेयर और लाइक तो कीजिएगा ही। हम जो जगह जा रहे हैं दोस्तों, वो जगह गिरगढ़ से 25 किलोमीटर दूरी पे आया हुआ है, उसको जंजीर धोध बोलते हैं। मैं आओ गिर जंगल में, इधर जंजीर धोध इसको बोलते हैं, इधर जंजीर धोध बोलते हैं इसको। मेरे पीछे एकदम देखिए, एकदम नीचे गहरी खाड़ी में एक बड़ा सा धोध जा रहा है, उसका जंजीर धोध बोलते हैं। और एक गाढ़ जंगल के बीच में आया हुआ है, गिर शासन गिर से नज़दीक, एकदम द्रोणेश्वर महादेव के नज़दीक ऐसा धोध आया हुआ है। तो एकदम बढ़िया जगह है ये, इधर आइए घूमने के लिए। देखो ये कितना पीछे पानी जा रहा है, बहुत दूर तक जंगल में पानी जा रहा है। पानी एक ऊपर से आ रहा है और पीछे जा रहा है। और मैं आपको क्या बताऊँ जगह के बारे में, बहुत एकदम बढ़िया जगह मिल गई आज हमको, पहली बार देखा है हमने। और आपके लिए ये थोड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ शूटिंग करने के लिए, यहाँ शूटिंग करने मना है तो भी मैं कर रहा हूँ। फॉरेस्ट वाले आ जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ करते नहीं। और देखिए एकदम बहुत बढ़िया जगह, मज़ा आ गया। अब नहाने जाने, अंदर नहीं जाना है, बाहर नहाना है, ठीक है। तो हम नहाने की सोच रहे और हम नहाएगी भी, लेकिन अंदर जाके नहीं नहाएंगे। देखो एकदम गाढ़ जंगल है, पीछे पूरा गाढ़ जंगल है। बढ़िया मजा आने वाली है और नहाने के भी। देखिए बहुत गाढ़ जंगल, एकदम गाढ़ जंगल। मेरे पीछे देखो इस पहाड़ के नीचे, देखो बढ़िया। मेरे साथी दोस्त आ रहे हैं मेरे सामान लेके नहाने के लिए। महादेव जय गिरनारे। बढ़िया मजा आने वाली है गिर के जंगल में नहाने के लिए। आज बढ़िया जगह मिल गई है और पूरा गाढ़ जंगल है। और मेरे पीछे मेरे छोटे दोस्त यशु नहाने की तैयारी करके है फुल। हेलो। और हम नहा धो के अभी जंगल से बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। और अभी ज़्यादातर जंगल में रहना मुनासिब भी नहीं है, और इधर जंगली जानवरों का ज़्यादा इधर रहते हैं, और फॉरेस्ट वाले आ जाएंगे तो भी लफड़ा हो जाएगा। और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी की तरफ और जा रहे हैं। और आपको मैं जो बता रहा था रहस्यमय बातें, और रहस्यमय बातें वो इस जंजीर धोध की है। यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है। इस धोध में बहुत सी जाने गई है और अपनी गलती से ही होगी जान, क्योंकि यहाँ सब मैंने देखा है कैसे कैसे सेल्फी लेते हैं और कैसे नहाते हैं, तो अपनी गलती से इधर इस सब की जाने गई होगी। अभी क्या सही है क्या गलत है तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन लोगों का मन है कि यहाँ आत्माओं का बसेरा है, लेकिन ऊपर वाला ही जाने क्या है सही है क्या गलत। और फिर वापस हम अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी और एक मंजिल की तरफ चलने लगे। और आपको मेरे वीडियो जो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। जय जय गरीब गुजरात, जय जय गरीब गुजरात।